कुछ दिनों पहले मेरे YouTube रिकमेंडेशन लिस्ट में एक वीडियो पॉपअप हुआ जिसका टाइटल था क्रिटिसिज्म ऑफ फिट ट्यूबर। तो मैंने वीडियो पे क्लिक किया। पूरा वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसने पूरे वीडियो में सिर्फ सफ़ेद झूठ और सफ़ेद झूठ ही बोला है। You'll be unharmed. The only danger with PTFE is that if you leave the empty pan on the burner and it reaches temperatures above 350 degrees Celsius, temperatures that you will never reach normally during cooking, then there are fumes produced which are toxic. So don't heat an empty pan for no reason. For normal cooking use, it's perfectly safe. But इस बंदे ने एक ही सांस में एक के पीछे एक तीन झूठ बोले हैं। पहला झूठ ये कि 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब पैन ओवरहीट हो जाएगा तो टॉक्सिक फ्यूम्स क्रिएट होंगे। लेकिन आप इस फोटो में देख सकते हो क्लियरली, इस बंदे ने जो अपने वीडियो के नीचे जो लिंक्स प्रोवाइड की, उसी लिंक्स में से जो एक वेबसाइट खुली वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि 280 डिग्री पे वो टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट करना शुरू हो जाएगा। दूसरा झूठ ये कि सिर्फ एम्प्टी पैन को जब ओवरहीटिंग करेंगे तब वो टॉक्सिक बन जाएगा। लेकिन इसमें उसी वेबसाइट में नीचे जब आप पढ़ते हो तो आपको दिखता है कि एम्प्टी पैन तो टॉक्सिक है ही, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं वो भी अगर 260 के ऊपर जैसे ही क्रॉस हो जाता है वो भी टॉक्सिक बन जाता है। और इसने जितना भी एविडेंस दिया है उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि एम्प्टी पैन टॉक्सिक है और जो खाना बनाते हैं वो टॉक्सिक नहीं है। ये जितने भी रिसर्च है वो कह रहे हैं कि दोनों टॉक्सिक है, लेकिन उन्होंने एक टेम्परेचर दिया है जिसमें वो बता दे कि कहाँ पे वो ब्रेकडाउन होना शुरू कर देता है। तीसरा झूठ इसने ये बोला कि वो आसानी से ओवरहीट होगा नहीं, जबकि आप इस फोटो में सीधा सीधा देख सकते हो। ये फोटो भी मुझे उसी ने जो एविडेंस दिया उसमें ही मिला। मतलब ये क्या पागल इंसान है, देखो अपने रिसर्च को ठीक से नहीं पढ़ रहा है। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि वो जल्दी हीट अप हो जाए। फोटो में लिखा है कि एम्प्टी पैन 1.5 मिनट में 1.5-2 मिनट में और तेल डाला होगा तो वही 2.5 मिनट में वो उस डिग्री तक पहुँच जाएगा जो रिस्की हो सकता है। तो ये नॉनस्टिक पैन हमारे इंडियन कुकिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि हम जो है नॉर्मल बर्नर में बार बार हीट को कम ज़्यादा करते हैं और जो नॉर्मल माताएं जो रहती है घरों में उनको उतना नॉलेज नहीं होता कि अब ये जो आग है ये कितना डिग्री सेल्सियस की आग है, ये हाई हीट है या लो हीट है। चलो ओवन में अगर पका रहे तो समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ डिग्री वगैरह एडजस्ट करने का सिस्टम होता है, लेकिन नॉर्मल बर्नर में हर एक का डेफिनेशन लो हीट, मीडियम हीट, हाई हीट का अलग अलग है। ओके, और हमारे इंडियन कुकिंग को अगर समझेंगे तो हम मतलब कुछ डिशेस है उसके लिए तवे को बहुत गर्म करना पड़ता है, पैन को। ओके, और तभी उस पे जो भी पकाया जा सकता है या जैसे चपाती सेकी जा सकती है, तो ये हमारे इंडियन कुकिंग के लिए 100% टॉक्सिक है ही। Let's talk about non-stick first. Non-stick coating is made of something called PTFE or Teflon. On its own, Teflon is safe to use because it's chemically non-reactive. In fact, that's what gives it its non-stick property. Even if you accidentally eat flakes of that coating, it'll pass right through you and come out and you'll be unharmed. Just make sure when you buy non-stick pans, they are PFOA free. And you'll be completely safe. He also talks about how यहाँ पर इसने कहा कि जो PTFE पैन के फ्लेक्स है वो खा सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा, और पैन अगर PFOA फ्री होगा तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन इस फोटो में देखिए, और ये भी जो इसी ने जो लिंक दिया है उसी में से मिला है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर पैन जो है वो PFOA फ्री भी होगा तो भी PTFE जब ब्रेक डाउन करेगा तो वो PFOA क्रिएट कर सकता है। मतलब फ्लेक्स कब निकलते हैं, जब जो पैन है उसकी जो कोटिंग ब्रेक डाउन होगी तब निकलते हैं। मतलब उसमें PFOA होने के पूरे पूरे चांसेस है,
It's perfectly safe. But Fituber calls PTFE toxic while providing no evidence for the same. Yeah, all he does is show a news article that says someone sued a non-stick cookware manufacturer over the death of his parents. How is this evidence, especially when nothing is proved in court? And even if it were true, what is toxic to birds is not necessarily toxic to humans. All this is baseless fear-mongering. झूठ पे झूठ। अगर कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ तो इसने ही जो एविडेंस दिया था उसके नीचे ही ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये जो टेफ्लॉन जो है वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल है। अब इसमें देख सकते हो, इसने सिर्फ अपने सहूलियत के हिसाब से हाईलाइट किया, लेकिन सच को छुपाने के लिए जो मेन लाइन है उसको हाईलाइट नहीं किया। और दूसरे भी इन्होंने वेबसाइट के लिंक दे, उसमें भी यही लिखा है कि वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल है। मतलब कितना झूठा आदमी है ये। फिर उसके बाद ये सूडो साइंटिफिक गाय एक सूडो लॉजिक प्रेजेंट करता है। वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बर्ड्स के लिए हार्मफुल है वो ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल हो। ये बात सही भी हुई तो भी आधी बात है, बिकॉज ये कुतर्क है, ये सूडोलॉजिक है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होगी वो बर्ड के लिए हार्मफुल होगी, ह्यूमन के लिए नहीं होगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो होगी वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होगी, बर्ड के लिए नहीं होगी। जैसे बर्ड कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो अगर ह्यूमन ने खाए तो ह्यूमन बीमार पड़ सकता है। उसी तरह कुछ चीज़ें जो होगी वो बर्ड और ह्यूमन दोनों के लिए अच्छी होगी। जैसे आदमी कुछ फल खाता है, पेरू खाता है तो पैरेट को भी खिला देता है, उसी तरह कुछ चीज़ें जो होगी वो दोनों के लिए हार्मफुल हो सकती है और कुछ चीज़ें जो होगी वो दोनों ह्यूमन और बर्ड के लिए कम ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल या बेनिफिशियल हो सकती है। तो इसने अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर दिया है इस वीडियो में, और ये बहुत बड़ा खुद को अपने आप को साइंटिफिक मानता है, लॉजिकल मानता है, पर एक्चुअली ये है सूडो लॉजिकल अनपढ़। पहली बात तो फिट ट्यूबर पूरा रिसर्च करके अपनी बात को वीडियो में कहते हैं, और उन्होंने अगर कुछ एविडेंस नहीं भी दिया तो भी कोई भी इंसान उसको फेथ पे फॉलो कर सकता है या अपना रिसर्च खुद करके फॉलो कर सकता है। तो वो फियर मॉन्गरिंग नहीं है, वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसर्च करके अपनी बात करते हैं। लेकिन ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है, फैक्ट्स को दबा रहा है, फैक्ट्स को छुपा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को और डिस्टॉर्ट करके बता रहा है फैक्ट्स को। मतलब ये लोगों को सरेआम गुमराह कर रहा है। ये तो फियर मॉन्गरिंग से भी बहुत बड़ा पाप है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाने के लिए लिया क्योंकि साइंस के नाम पे ये एक काला धब्बा है। ये पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है और हमारे जैसे साइंस के बिलीवर को ये शेम दे रहा है। इस बंदे को समझने की ज़रूरत है कि साइंस का दावा कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता। साइंस खुद मानता है कि वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, वो हर दिन रिफाइन होते रहता है। तो वो कहता है कि हमारा सच जो है वो आज तक का सच है, शायद ये कल झूठ हो सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी ये जो भी बातें बता रहा है, ये सेफ है, वो सेफ है, अगर इसको चलो मान भी लिया ठीक है, तो भी क्या गारंटी है? पता चला कल बता दे के, मतलब कुछ सालों के बाद, के PTFE डेफिनेटली हार्मफुल है। जैसे 1940 से ये PFOA नॉनस्टिक कुकवेयर में लगा रहे थे, तो इनको 2015 में इन्होंने बैन किया। ओके, तो मतलब इतने 70-80 साल लगे इनको समझने के लिए कि PFOA हार्मफुल है। ओके, तो हो सकता है कल PTFE भी ये बोल दे हार्मफुल है। अभी इसका मन है ना टेफ्लॉन से नहीं भरता तो ये एल्यूमिनियम कुकवेयर के पीछे भी लग जाते हैं। True that aluminium from these pots does leach into your food. Guess what? It's completely within safe limits for healthy individuals. In fact, the US FDA has rendered aluminium cookware safe to use. अच्छा, safe है।
तो ये कौन बताएगा कि एल्यूमिनियम कुकवेयर 6 यूरोपियन कंट्रीज़ में बैंड है? अगर ये 6 कंट्रीज़ में बैंड है तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ये समझने के लिए कि वो सचमुच हार्मफुल है या नहीं। देखो, USFDA ने सेफ कहा है तो उनका सेफ का डेफिनेशन जो है कुछ और हो सकता है, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो बॉडी माइंड कनेक्शन को पहचानता नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, जो हमारे इंडियन कुकिंग का आधार है, वो बॉडी माइंड कनेक्शन को पहचानता है। तो हम कुकिंग में ऐसे फैक्टर्स कंसीडर ही नहीं करते जो बॉडी माइंड कनेक्शन को डिसरप्ट करे, और इसलिए ट्रेडिशनली हमने एल्यूमिनियम कुकवेयर को हमारे किचन में जगह ही नहीं दी है हजारों सालों से। People with kidney issues may have problems dealing with aluminium, but for healthy individuals, it's completely safe. See how a little bit of research instead of reinforcing existing myths could have avoided this baseless. ये दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जिसका रिसर्च उसकी बात को सपोर्ट नहीं करता, और रिसर्च भी जो इसने किया है लगता है नींद में किया है, क्योंकि जो पहला लाइन दिखा उसको पकड़ लिया, बाकी का छोड़ दिया। इसके लिए अब इसको मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, एक ही एक्सप्लेनेशन है, शायद ये खुद टेफ्लॉन में इतना बना बना के खाता है ओवर हीट कर करके कि इसका भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। इसके लिए सच को झूठ, झूठ को सच मानने लगा है, और उस चक्कर में इलॉजिकल बातें कर रहा है और हाफ बेक्ड रिसर्च से वीडियोस बना बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये बंदा बहुत बड़ा नमूना भी है, क्योंकि इसके चैनल के नीचे जब कोई इनके लॉजिक को चैलेंज करता है तो ये उसको अंधा बुलाते हैं। अभी इन्होंने ही जो एविडेंस दिया है ये इन्होंने खुद से ध्यान से देखा नहीं, ओके, और ये लोगों को अंधा बुला रहे हैं। तो ये क्या है, स्टूपिडिटी की एक हद होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बंदा है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया में जो योगा आयुर्वेदा का जो राइज हुआ है उसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग बॉडी यहाँ पे है, मन USA अमेरिका वहाँ पे है, इनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस महसूस हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इनको बहुत ग्रेट फील होता था, लेकिन जैसे ही योगा और आयुर्वेदा का राइज हो गया इनको इनका अस्तित्व खतरे में आ गया है। तो इसलिए ये इंटरनेट पे आते हैं, बकवास करते हैं और अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे। तो अभी इसका तो पर्दाफाश हो ही गया है, तो मेरी आप सबसे विनंती है कि मेरा वीडियो देख के कोई इस बंदे को हेट मत देना। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रे करना कि उसको कुछ सद्बुद्धि मिल जाए, कुछ सद्गुरु का आशीर्वाद लग जाए, जिससे उसको चीज़ें क्लैरिटी में देखने की उसको कैपेबिलिटी आ जाए, वो सच को सच की तरह देखे और झूठ को झूठ की तरह देखे। क्योंकि भले ही अपने वीडियोस में ये झूठ फैलाता हो, लेकिन एक बात तो है कि वो मेहनत ही है, ठीक है। तो अगर ऐसे इंसान को अगर क्लैरिटी आ जाए तो इंडिया के लिए असेट हो सकता है, ठीक है। तो हिट मत देना, प्यार देना। हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि जो नेगेटिव लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, ओके, तो वो YouTube पे आते हैं, कुछ भी मतलब बकवास करते हैं, उनके 10-10 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो उनके कमेंट सेक्शन में पड़े हुए होते हैं। तो अच्छे लोग तो मेहनत करने वाले नहीं हैं, तो जो नेगेटिविटी फैला रहे, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे, उनसे ही कुछ आशा की जा सकती है कि उनको कुछ सद्बुद्धि आ जाए तो वो कुछ भारत के लिए कुछ अच्छा कर पाए, भारत के युवाओं के लिए कुछ अच्छा कर पाए। इसलिए इस बंदे को प्यार देना और उसको कुछ
दिव्य ज्योति प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना करना।